चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इन गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर O। अब यहां पर देखिए, यहां पर TP और TQ जो हैं वो दो टेंजेंट हैं इस सर्किल की जिसका सेंटर है O। सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री। ये एंगल जो है वो है 110 डिग्री। देन एंगल PTQ यानी ये एंगल क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल TPOQ। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम इस एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखेंगे गिवन TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल। अब यहां पर एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल TQO। ये एंगल TPO दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये दोनों एंगल होंगे 90 डिग्री के, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर इन सब एंगल्स की वैल्यू रख दीजिए। एंगल PTQ इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू है 110 डिग्री, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 + 90 + 110 इसकी वैल्यू हो जाएगी 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री।